हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नाउ जैसा कि आप लोग जानते हैं, अक्टूबर के पहले सप्ताह में नोबेल प्राइज़ का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। नोबेल प्राइज़ 6 फील्ड में दिया जाता है। इसमें से पहला फील्ड मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी कह लें तो इस बार का नोबेल प्राइज़ विनर हैं कैटालिन कैरिको और ड्यू विस्मैन। 2020 की शुरुआत में शुरू हुई पेंडेमिक के दौरान COVID-19 के खिलाफ mRNA वैक्सीन को डेवलप करने के लिए दिया गया था। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल से समझते हैं कैटलिन कैरिको और ड्रू विस्मैन के द्वारा क्या डिस्कवर किस प्रकार से किया गया था, इसको लेकर क्या क्या चैलेंजेस आए थे, ये mRNA वैक्स है क्या, ये mRNA वैक्सीन किस प्रकार से वर्क करता है और कुछ नोबेल प्राइज़ के भी बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले क्वेश्चन जो कि UPSC के 2022 में प्रीलिम्स में पूछा गया है, बताना है जो वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो रहा है COVID-19 पेंडेमिक को प्रिवेंट करने के लिए, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो COVID-19 वैक्सीन है कोविशील्ड, वो mRNA प्लेटफॉर्म पर आधारित है। सेकेंड है जो रसिया का स्पूतनिक वी वैक्सीन है वो वैक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म का यूज़ करके बनाया गया है। और थर्ड है जो इंडिया के द्वारा कोवैक्सीन बनाया गया है वो इनएक्टिवेटेड पैथोजिन बेस्ड वैक्सीन है। तो बताना इनमें से कौन करेक्ट है, इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें, सही आंसर मिलेगा आपको वीडियो के एंड में। तो सबसे पहले कैटलिन कैरिको और ड्रू विस्मैन के डिस्कवरी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले कौन कौन से चैलेंजेस था इसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग के सेल्स में इनहेरिटेंट कैपेसिटी होता है फॉरेन मटेरियल को डिटेक्ट करने की। तो जो हमारा डेंड्रेटिक सेल है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे इम्यून सिस्टम में। इसके पास एबिलिटी होता है कि इन विट्रो mRNA फॉरेन मटेरियल को रिकॉग्नाइज कर पाए और बदले में इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करता है, और इस रिएक्शन से हार्मफुल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और वैक्सीन के एफिशिएंसी को भी अंडरमाइन किया जा सकता था। फर्दर मोर जो अनदर चैलेंज इसमें देखने को मिलता है, जो mRNA बेस्ड वैक्सीन था वो हाईली अनस्टेबल था और जो हमारे बॉडी में इंजाइम्स हैं उसको भी डिग्रेड कर सकता था। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है, जो इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड mRNA होता है ये एक तरह का सिंथेटिक RNA होता है जिसको कि लेबोरेटरी में बनाया जाता है। DNA टेम्पलेट और RNA पॉलीमराइज रिएक्शन को यूज़ करके इसको बनाया जाता है, और इसका इस्तेमाल वेरियस पर्पस के लिए किया जाता है, जिसे mRNA का जांच करना, RNA का जांच करना, वैक्सीन बनाना या फिर प्रोटीन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए हम लोग समझते हैं कैटलिन कैरिको और ड्रू विस्मैन का डिस्कवरी के बारे में। तो कैरिको और विस्मैन ने देखा कि जो डेंड्रेटिक सेल है जिसको कि टी सेल भी कहते हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये डेंड्रेटिक सेल इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड mRNA को एज ए फॉरेन मटेरियल के रूप में पहचानने की कैपेसिटी आ गई थी। होता क्या था कि जैसे ही ये इंटर किया उस तरह से बॉडी में सूजन आ जाती थी, इंफ्लेमेटरी सिग्नल्स के माध्यम से हम लोग इसको पहचान सकते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आया कि mRNA को फॉरेन क्यों कंसिडर किया गया, क्योंकि mRNA हर एक मैमल्स में देखने को मिलते हैं और वो किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स का ट्रिगर नहीं करते हैं। तो जो मैमल सेल होता है वो यूकैरियोटिक सेल होता है जो कि एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है, और इसमें mRNA में न्यूक्लियस भी होता है, और अदर मेम्ब्रेन का बात करें तो ये ऑर्गेनेल से बंधे हुए होते हैं। तो इससे साइंटिस्ट को रियलाइज हुआ कि इन दो टाइप्स के mRNA के बीच कोई ना कोई डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज जरूर होगा जो ये दोनों mRNA को सेपरेट करता होगा। चलिए अब देखते हैं महत्वपूर्ण खोज के बारे में। तो जो RNA है वो DNA के तरह ही चार बेस से बने होते हैं, A, U, G और C। तो कैरिको और विस्मैन ने नोटिस किया कि जो नेचुरल RNA है ये मेमेलियन सेल के बेस में कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन करता है, और फिर उन्होंने परिकल्पना की यदि लैब मेड mRNA में किसी भी प्रकार का केमिकल मॉडिफिकेशन ना हो तो इससे भी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन देखने को मिल सकता है, और इसको टेस्ट करने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ mRNA वेरिएंट्स को क्रिएट किया गया विथ एन यूनिक अल्ट्रेशन एंड उसको डेंड्रेटिक सेल में डिलीवर किया गया। यही सेल इम्यूनिटी सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसके बाद फिर रिजल्ट में पाया गया कि इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिला है जब mRNA के बेस में मॉडिफिकेशन किया गया। और इस डिस्कवरी से हमारा अंडरस्टैंडिंग ट्रांसफॉर्म हो गया
कि किस प्रकार से हमारा सेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमआरएनए को रिकॉग्नाइज और रिस्पोंड करता है, और एमआरएनए का गहरा इम्प्लीकेशंस देखने को मिला हमारे चिकित्सीय प्रणाली में। और इस एमआरएनए को लेकर 2008 और 2010 में सब्सिक्वेंट स्टडी किया गया और बताया गया इस एमआरएनए के बेस में मॉडिफिकेशन करके प्रोटीन प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। और इस इफेक्ट के कारण जो एंजाइम्स बाधा बन रहे थे प्रोटीन प्रोडक्शन को लेकर, उसको रिड्यूस किया गया। तो कैरिको और विस्मैन के रिसर्च ने क्रिटिकल ऑब्स्टेकल्स को रिमूव किया और एमआरएनए को मोर सस्टेनेबल, सुटेबल और क्लिनिकल एप्लीकेशन के लिए सुटेबल बनाया। तो इंजेक्टेड एमआरएनए में यह प्रॉब्लम था कि इसमें इंफ्लेमेटरी रिएक्शन देखने को मिलता था, वहाँ पे सूज जाता था। तो इसी प्रॉब्लम को ड्र्यू विस्मैन और कैटेलिन क्रैको के द्वारा इसको रिजॉल्व किया गया। और एमआरएनए टेक्निक का ही इस्तेमाल, जो यूएसए के मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन हैं उसका इस्तेमाल एमआरएनए पर ही बेस्ड है। इसमें आप देख सकते हैं यूरिडाइन को जब डाला गया तो इसमें इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिला, लेकिन इसमें सुडो यूरिडाइन को डाला गया तो इसमें किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। अब चलिए हम लोग समझते हैं इस बेस मॉडिफाइड एमआरएनए के वैक्सीन के कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं। तो एमआरएनए टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत सारे कंपनी इंटरेस्ट लेने लगे हैं। 2010 से ही सेवरल कंपनीज वेरियस पर्पसेस के लिए एमआरएनए को मेथड को और ज़्यादा डेवलप करना चाह रहे हैं। इनिशियली एमआरएनए टेक्नोलॉजी को वैक्सीन बनाने के लिए किया जाता था, जैसे कि जीका वायरस का वैक्सीन बनाने के लिए, जो कि सार्स कोवी 2 से क्लोजली रिलेटेड था। लेकिन कोविड-19 आने के बाद एमआरएनए के बेस को मॉडिफाई किया गया और वैक्सीन बनाया गया, और सार्स कोवी 2 के सरफेस को भी इनकोड किया गया, जिसमें जो स्पाइक प्रोटीन है वो अनप्रेसिडेंटेड रेट से डेवलप होता था, तो उसका रीज़न को फाइंड किया गया। और इन एमआरएनए विकसित वैक्सीन को 95% इफेक्टिव बताया गया, और वर्ल्ड में सबसे पहले यही वैक्सीन को अप्रूवल मिला। और जिस स्पीड से एमआरएनए वैक्सीन को डेवलप किया गया, इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाया गया, तो इस टेक्नोलॉजी से आगे भी पोटेंशियल है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज है उसके अगेंस्ट हम लोग और भी एडवांस लेवल का रिसर्च कर सकते हैं। और कलेक्टिवली मोर देन 30 बिलियन कोविड वैक्सीन डोजेस को पूरे वर्ल्ड वाइड लगाया गया और मिलियंस ऑफ लाइफ्स को सेव किया गया और सेवियर इलनेस से भी प्रिवेंट किया गया। और ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट हुआ, जिस समय मेजर हेल्थ क्राइसिस पूरा वर्ल्ड में फैला हुआ था पेंडेमिक, इसी वजह से नोबेल प्राइज जो है इस वैक्सीन के फील्ड में एमआरएनए टेक्नोलॉजी में दिया गया। चलिए अब हम लोग समझते हैं एमआरएनए वैक्सीन क्या है और ये कैसे वर्क करता है। तो एमआरएनए का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए। ये एक मॉलिक्यूल होता है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम डीएनए, और ये प्रोटीन मेकिंग मशीनरी सेल है, ये प्रोटीन को बनाता है। और एमआरएनए वैक्सीन का यूज से सिंथेटिक एमआरएनए को यूज करके स्पेसिफिक प्रोटीन को इनकोड किया गया ताकि पैथोजन को मार सके, जैसे कि कोरोना वायरस में जो स्पाइक प्रोटीन है उसको ख़त्म कर सके। जब एमआरएनए वैक्सीन हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो कुछ सेल्स जो हमारे वो एमआरएनए को लेते हैं और उसके लिए प्रोटीन को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल करते हैं, और वो प्रोटीन इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है और फिर हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाना लगता है, और फिर मेमोरी सेल के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है और फ्यूचर में वो पैथोजन अगर होगा तो उससे फाइट करने के लिए रेडी रहता है। और ये जो एमआरएनए वैक्सीन है वो फास्टर और चीपर होता है प्रोड्यूस करने के लिए, ये सस्ते में प्रोड्यूस हो सकता है। इसके लिए किसी भी प्रकार का सेल कल्चर और कॉम्प्लेक्स प्योरिफिकेशन प्रोसेस का जरूरत नहीं होता है। और एमआरएनए वैक्सीन है ये फ्लेक्सिबल और एडेप्टेबल होता है औरों को कंपेयर में, और इसको इजीली मॉडिफाई भी किया जा सकता है टू टारगेट न्यू वेरिएंट एंड स्ट्रेन फ्रॉम पैथोजन, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि कोरोना वायरस के नए नए वेरिएंट्स आते रहते हैं, तो इसको इजीली मॉडिफाइड करके उसके अगेंस्ट लड़ने में हेल्प किया जा सकता है। चलिए अब समझते हैं थोड़ा सा नोबेल प्राइज के बारे में। इसको अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था जब वो डायनामाइट्स का इन्वेंट किए थे, लेकिन डायनामाइट ह्यूमन काइंड को डिस्ट्रक्शन करता है, तो इसी के लिए अल्फ्रेड नोबेल चाहते थे कि जो ह्यूमन काइंड के लिए बेनिफिट करेगा उसी को यह नोबेल प्राइज दिया जाएगा। और इसमें पहला अवार्ड को 1901 में दिया गया। नोबेल प्राइज में बात करें तो 6 तरह का नोबेल प्राइज दिया जाता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में जो अभी हम लोग देख चुके हैं, लिटरेचर में, पीस में और इकोनॉमिक साइंसेज में, इकोनॉमिक्स में।
इसमें नोट करने वाली बात यह है, जो पीस अवार्ड है वो सिर्फ नॉर्वेजियन कमेटी द्वारा नॉर्वे में दिया जाता है, बाकी वह सारा का सारा स्वीडन में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है, सिर्फ पीस को छोड़कर। और हर एक नोबेल लॉरियट्स को एक गोल्ड मेडल, डिप्लोमा और मॉनेटरी अवार्ड दिया जाता है, मतलब कुछ पैसा दिया जाता है। और ये जो नोबेल प्राइज है वो डेथ के बाद नहीं दिया जाता है, जैसे कि गांधी जी के बारे में बताया जाता है कि उनका डेथ हो गया था इसीलिए उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिल पाया। और एक नोबेल प्राइज़ को मैक्सिमम 3 पीपल के द्वारा शेयर किया जा सकता है। और इंडिया में बात करें तो लिटरेचर के फील्ड में पहला नोबेल प्राइज़ रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया 1913 में। और लिटरेचर के फील्ड में फर्स्ट इंडियन वुमेन का बात करें तो मदर टेरेसा को पीस प्राइज़ नोबेल प्रेस प्राइज़ 1979 में दिया गया, और लिटरेचर के फील्ड में रविंद्रनाथ टैगोर जी को। और इंडिया में इकोनॉमिक्स के फील्ड में अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी को भी नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन बनाया गया था वो mRNA पे बेस्ड नहीं था। बाकी के बाद ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।